हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रोज यशवंती। आज मैं आई हूँ नाइफ में। यहाँ पे दुबई में नाइफ एक मार्केट है और वो एक बिल्डिंग है। एक्चुअली मुझे लेना था हिजाब, और जब मैं पर्सनली स्टोर में गई तो मुझे पता चला कि 20 दिराम 30 दिराम एक हिजाब पे पड़ता है। तो और उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे नाइफ स्टोर है, होलसेल मार्केट है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप होलसेल में ले सकते हो, बहुत सारे हिजाब से रहते हैं और दूसरी भी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ नाइफ मार्केट में, और आप लोग मेरे साथ नाइफ मार्केट देखिए, इंजॉय करिए यहाँ के होलसेल मार्केट। अभी मैं यहाँ पे नाइफ स्ट्रीट पे हूँ, बहुत सारे लोग हैं आजू बाजू, और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, दैट इज द नाइफ होलसेल मार्केट। तो चलिए मेरे साथ और वहाँ का नज़ारा इंजॉय करिए। तो ये हमारा नाइफ सुख का प्रवेश गेट, जिसमें से हम अंदर जा सकते हैं। और अभी ऊपर जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे ओल्ड दुबई में आपको देखने को मिलेंगे। ये पुराने ज़माने के इंटीरियर हैं जो यहाँ पे ओल्ड दुबई में ही ऐसे घर के टाइप अभी बचे हुए हैं, पहले ऐसे ही बनाया जाया करते थे। और अभी का आर्किटेक्चर तो डिफरेंट है, मॉडर्नाइज हो गया है, बट ये वाला भी बहुत अच्छा सिस्टम था यहाँ पर। और आजू बाजू जो शॉप्स देख रहे हो, ये भी नाइफ मार्केट के अंदर ही हैं, सब अच्छे चीज़ें ये लोग रखते हैं, और अभी आप इनसे भी ले सकते हो। बट अगर आपको यूज शॉपिंग करनी है इन होलसेल रेट, तो भाई अब इधर आ जाओ और शॉपिंग कर लो। तो इधर आने से पहले, अभी हम एंटर हो चुके हैं, तो मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे ऊँट का बाज़ार था, मतलब कैमल मार्केट था। उसके बाद 1980s में इसको रिनोवेशन किया गया और इसको अच्छा सा एक मतलब शॉपिंग सेंटर बना दिया गया, लाइक खुला टाइप, एग्जीबिशन टाइप, और अच्छा खासा यहाँ पे शॉपर मतलब शॉप करते थे, अपना जो भी चलाता था लोग आके यहाँ पे शॉप करते थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2008 में बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गई। उसके बाद हमारे दुबई गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको बहुत बड़ा बना दिया, और अभी जो आप ये प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हो, इसी का नतीजा है। यहाँ पे आपको 200 से भी ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगे, और मेनली यहाँ के जो चीज़ें हैं वो आपको ट्रेडिशनल इमारती क्लोथ्स मिलेंगे, लेदर गुड्स मिलेंगे, टेक्सटाइल फैब्रिक, जलेबियाँ, जबायाँ, सब कुछ आपको, इलेक्ट्रॉनिक परफ्यूम, सब कुछ आपको एक ही जगह में मिल जाएगा। ये मतलब आगे के ज़माने में इसको शॉपिंग सेंटर ही माना जाता था। अभी जो मॉल्स हम जाते हैं ना, वो एक तरह का मॉल था पहले के ज़माने में, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, मतलब सब चीज़ है यहाँ पे, एसी वेसी सब चीज़, टॉयलेट, और सब सबसे स्पेशल बात, यहाँ पे आपको नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, कि भाई शॉपिंग करने आ गया, नमाज का वक्त हो गया, लेडीज़ ने नमाज़ पढ़ लिया, आप रेस्ट भी कर सकते हैं शॉपिंग करते करते। और उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताते चलती हूँ कि 3 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में आपको मतलब अबाया, सब तरह अबायाज मिलेंगे, स्कार्फ्स मिल जाएंगे। सेकेंड फ्लोर में वेस्टर्न कल्चर, नाइकीज, वेस्टर्न ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस, सब कुछ होलसेल में मिल जाएंगे। एंड थर्ड फ्लोर में आपको जलाबियाज, मतलब अरबिक कल्चर के टाइप का आपको क्लोथ मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की, और यहाँ पे गार्ड्स भी हैं अवेलेबल, आप कुछ भी पूछ सकते हो। प्लस यहाँ पे आने के लिए ना, आपको बस एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि भाई अगर आप गाड़ी से आ रहे हो, तो भाई आपको पार्किंग की तो बड़ी ही मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे 100 से ज़्यादा गाड़ी की होती नहीं है, पार्किंग का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। तो बेटर वे है कि आप या तो मेट्रो से आओ या तो बस से आओ। और फिर अगर आप टूरिस्ट हो, तो आप नाइफ लोकेशन का एक क्या बोलते हैं उसको, वो रख लेना, मैप रख लेना, तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। और भी जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये अबायाज, ओ भाई क्या बताऊँ मैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने ज़्यादा डिज़ाइन वाले, कि भाई क्या लूँ मैं, क्या लूँ मैं, तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला अबाया को साइड में रखो, स्कार्फ ले लो पहले। तो मैं टूट पड़ी स्कार्फ की तरफ, और मैंने स्कार्फ के स्टॉल में गई, तभी एक प्यारा सा बच्चा हाई कर रहा था, मैंने भी इसका हाई कर दिया। इसको देख के मेरी, मुझे जीनू की याद आ गई, मेरे प्यारे से बेटे की याद आ गई। इंशाल्लाह बच्चों को भी यहाँ पे ज़रूर लाएंगे। तो बैक टू माय शॉपिंग, तो मैं तो भाई फुल मूड में आई थी कि मुझे शॉपिंग करना ही करना है, बट यहाँ पे आके मैं कन्फ्यूज ये आ गई कि लूँ क्या और छोड़ूँ क्या। इसीलिए मैंने पहले फोकस किया कि अबाया तो छोड़ो भाई, बाद में देखेंगे, पहले स्कार्फ्स लेते हैं, क्योंकि स्कार्फ हम ज़्यादा ले सकते हैं, अबाया क्या है, 2-3-4 लेंगे, है ना, पसंद आ गए, उससे ज़्यादा कौन लेता है भाई। तो मैंने स्कार्फ देखा, तो फिर स्कार्फ में भी मैं परेशान हो गए कि लूँ क्या और छोड़ूँ क्या। तो मैंने सोचा कि पहले हम 2-3 स्टॉल घूम लेते हैं, देखते हैं किसका क्या रेट है। तो यहाँ पे भैया रेट्स अपने बता रहे थे, अलग अलग रेट्स लगे हुए हैं, प्लेन स्कार्फ कुछ 20 हैं, कुछ 25 दिरहम हैं, 20-25 दिरहम इक्वल आर इंडियन रेट्स, आप हिसाब लगा लो, 21-22 चल रहा है अभी 21 चल रहा है, तो उसके हिसाब से।
तो भाई मैं देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और सबसे मेन थिंग जैसे कि मैंने बताया, बार्गिन क्वालिटी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप तो कुछ भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं तो मेन फोकस रहता है शॉपर्स का, वेंडर्स का, टूरिस्ट को बेचने का, तो वो लोग अपना रेट बता देते हैं। हाँ, अगर आप भी आ रहे हो इंडिया से तो बार्गिन क्वालिटी तो रखना पड़ेगा। और हम इंडियंस, एशियंस कितना अच्छा बार्गिन करते हैं पता है ना आप लोगों को, तो बार्गिन कर लेना। ये जो अवैया देख रहे हैं ये मुझे बताया गया था 180, राइट, 180 में मुझे बताया गया था, 180 दिरहम में मुझे ये अबायाज मिल रहे थे यहाँ पे। हर का डिफरेंट डिफरेंट रेट है, डिपेंड अपन दी डिज़ाइंस एंड क्वालिटी। तो भाई अभी आप बार्गिन करके ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिरहम 150 दिरहम में आपको मिल जाएगा अबाया, तो आप ले लो। यहाँ पे 2-3 अबाया तो लो ही लो कैसे भी करके, क्योंकि दुबई के अबाया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, हर कोई दुबई अबाया ट्राई करना चाहता है, बट यहाँ पे आके तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हर तरह के, हर डिज़ाइन के, हर कलर के अबायाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर लेना है, घूमना है, तो यहाँ पे आके ले लो, कर लो, जो दिल बोले आप ख़रीदारी कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा पहले मैं सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद घर जाके देखूँगी डिज़ाइन और चूज़ करके फिर बाद में लूँगी। क्योंकि अगर तब मैं ले लेती ना तो फिर मैं बोलती अरे मुझे वो लेना था, वो अच्छा दिख रहा था मुझ पर, ये अच्छा दिख रहा था, ऐसा होता था कुछ। तो इस टाइप से हो चुका है बहुत ही टाइम अबाया देखने में, ही मेरा पूरा टाइम चला गया। बहुत अच्छी क्वालिटी। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पूरे 7 दिन खुला रहता है, राइट। सुबह 8:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक आपको यहाँ पे शॉप खुली हुई रहेगी, उसके बाद ये बंद कर देंगे डोर, एक इंसान को भी एंटर नहीं करने देंगे, राइट। और आप RTA बस से आ सकते हो, आपको बस के नंबर्स भी मैं बता दे देती हूँ, 27, 4, C1 एंड X13 ये बसेस हैं, आप ये लेके देरा में आ सकते हो नाइफ सूख में। और मैं भी सोच रही थी, भैया से बार्गेन कर रही थी कि क्या रेट होगा क्या नहीं, तो भैया बोल रहे थे मुझको कि अगर आप ज़्यादा लोगे तो मैं आपको कम कर दूँ, तो मैंने सोचा कि मैं 1 दर्जन ले लेती हूँ, है ना। और यहाँ पे आते टाइम मैं ज़्यादा स्कार्फ्स लेकर नहीं आई थी, और आप लोग तो जानते हो ना मुझे स्कार्फ का बड़ा ही ज़्यादा क्रेज है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बड़बड़ा रही थी, पता नहीं क्या, आपको मैं सुना देती हूँ। एक पीस अगर मैं सिंगल लूंगी तो 15 दिरहम में इनके पास पड़ेगा, और मैंने बोला कि मैं 12 पीस लूंगी, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब 120 में दे देंगे, लास्ट उनका रेट है 100 रुपीज़। लेट्स सी आगे जाके और देखते हैं, कहीं पर और नहीं मिला तो वापस इनके पास आए। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ज्वेलरी स्टोर में, तो भाई जो लोग ज्वेलरीज़ के फॉन्ट ऑफ है उनके लिए तो ये स्टोर्स बस रब ने बना दी जोड़ी। कुछ भी लो आप, अपने टाइप का बैंगल्स हो, ब्रेसलेट हो, चोकर हो, नेकलेस, एनीथिंग, जिनको भी लेना है ना गोल्ड प्लेटेड में, ये आप यहाँ से ले सकते हो। बट पर्सनली आई डू नॉट लाइक ऑल दिस स्टफ, मुझे ना आर्टिफिशियल कुछ पसंद नहीं आता, चाहे वो ज्वेलरीज हो चाहे वो छोटी छोटी चीज़ हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं अपने गोल्ड की चीज़ें भी नहीं पहनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, मेरे में एक चीज़ है कि भाई अभी किसी को पहने में देख लिया और अच्छा लग गया तो मैं जाके पहले जाके निकाल के पहनती हूँ कि मुझे भी पहनना है, तो मैं कुछ उस टाइप की होता। और यहाँ पे आप फोन के कवर्स एक से बढ़कर एक से लाखों के तरह आपको एक से बढ़कर एक कवर्स मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे कवर्स के, फ़ोन्स के, ज्वेलरीज़ के। और फिर से मैं अपने जो मुझे चाहिए होता है ना मैं उसी के पास जाती हूँ। और ये देखो नाइफ सूख, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं फिर से वहीं पे अबायास के स्टोर में आ गई हूँ कि मुझे बस चारों तरफ अबाया अबाया दिखता है। मेरे साथ होता है ऐसा, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा रुको, पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये क्या है ना, ये जाफरान है, तो जाफरान का अभी मैं आपको बताती हूँ रेट क्या है। एंड द मिनिमम प्राइस, दिस वन के लिए 10,000, लास्ट प्राइस 6,000। तो ये जाफरान है किलो 10,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, समझ रहे हो आप, इंडिया का 2,00,000, 20 के हिसाब से करें तो 10,000 दिरहम है इंडिया का, और लास्ट प्राइस 6,000 दिरहम, मतलब
कितना 1,20,000 दिरहम, मतलब 1,20,000 इंडियन रुपीस में आपको ये जाफरान मिल जाएंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैं कोई चीज़ मुझे चाहिए होती है या कोई चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और मुझे वो पसंद है, तो मेरे आँखों के सामने मुझे आसपास कभी भी वही चीज़ दिखती है, वही मेरे सामने आ जाती है। इत्तफाक कहूँ या आप लोगों के साथ भी होता है, मुझे बताना प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो आपके, मतलब आप फ़ोन अगर आप सर्च करोगे तो आपको वही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ ड्रेस लेना है, कुछ ट्रेंडिंग आया है, तो मुझे ना चारों तरफ वही दिखता है। जब तक मैं वो नाल ले लूँ तब तक तो वही दिखेगा। तो ऐसा होता है मेरे साथ, आप लोगों के साथ कैसा होता है बताना। और ये देखो 50 दिरहम में यहाँ पे अबायाज मिल रहे हैं, ये आप कोई भी कैसा भी सेलेक्ट करो 50 दिरहम मतलब इंडियन 1,000 रुपये 20 के हिसाब से। अभी देखो इंडियन है तो इंडियन का हिसाब भी मुझे बताना होगा, इसीलिए मैं हर बार इंडियन हिसाब बताती हूँ। आप बोलोगे दुबई में चली गई ये जायदा पर फिर भी इंडिया का रेट बता रही है, भाई बताना पड़ता है, इंडिया के व्यूवर्स भी है ना क्या, वही के हैं यहाँ पे तो अभी चल रहा है, अभी स्टार्टिंग हुआ है। तो फिर ये सब देखो कितने ज़्यादा बिजी स्ट्रीट है सब, और ये लाइट वाओ कितना प्यारा चकमक। हम लोग ना हैदराबाद में ऐसी लाइट्स लगाते थे जब कोई ओकेशन होता था, तो ऐसी लाइट्स लगा देते थे बाहर। और ये कुछ अगर भूख लग रही है तो खा लो यहाँ पे। अभी मैं आ चुकी हूँ सेकंड फ्लोर वेस्टर्न ड्रेस में, और मुझे ये वाला जॉगर जॉगिंग जो भी कह लो बहुत पसंद आया, मैंने सेट के हिसाब से ले लिया है। 15 दिरहम 10 दिरहम आपको मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से बार्गेन करोगे तो 10 दिरहम आपको मिल ही जाएगा। मुझे पर पीस पड़ा 15 दिरहम में, बहुत सारी चीज़ें देखी भी। आप देखो मैं ज़्यादा बड़बड़ाऊँगी तो आप बोर हो जाओगे, तो कुछ टाइम मेरी आवाज़ बंद करके आप अपना देखो कि मैं क्या क्या लेती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो देखो जी, मैं बता रही थी ना जैसे बच्चों के क्लोथ भी आपको मिल जाएंगे, तो बच्चों के हर टाइप के क्लोथ आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं इन होलसेल प्राइस। और ये देखो क्रेजी, मतलब लेडीज जेंट्स जिधर देखूं उधर टूट पड़ूं, हर तरह के वेस्टर्न सूट्स आपको ड्रेसेस मिल जा रहे हैं यहाँ पे। और मुझे ये वाला टी शर्ट बड़ा पसंद आया था, बट भैया हैं कमी नहीं कर रहे तो मैंने लिया, बट वो थोड़ा ज़्यादा उसमें पड़ गया मुझे, क्या बोलते हैं उसको, एडी में, दिरहम में। और यहाँ पर आने के बाद ये तुर्किश डिज़ाइन के क्या बोलते हैं टी शर्ट्स जो भी हैं, अभी ये तुर्किश में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर ना मोस्टली क्लोथ्स तुर्किश डिज़ाइन के रहते हैं। और मुझे अभी कुछ दिनों से नया क्रेज मतलब उत्पन्न हुआ है मेरे अंदर कि मुझे जो भी कपड़े लेने ना तुर्किश स्टाइल में लेने हैं, तो मैं वही सर्च करूंगी और ले रही हूँ। और ये पिंक वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, मतलब एक सीरियल था हयात और मुराद का, क्या था मुझे याद नहीं है नेम, पर वो भी तुर्किश ड्रामा था, तो उसमें वो वैसे ही पहनती थी। तो बस जो भी ले रही हूँ मैं उस टाइप का ले रही हूँ। और बहुत ज़्यादा शॉप से कितना मैं आपको बताऊँ, कितना आपको दिखाऊँ। देखो आपको यहाँ पे सब तरह के क्लोथ्स मिलने वाले हैं, और नाइट ड्रेसेस भी आपको अच्छे में मिल जाएंगे। मैंने एक नाइट ड्रेस लिया, पता नहीं मैंने शूट किया कि नहीं किया, 25 दिरहम में लिया मैंने। ये आपको सॉक्स मिल जाएंगे, हर टाइप के सॉक्स, हर डिज़ाइन के, हर साइज़ के, इन अ वे सब आपको यहाँ पे नाइटीज़ मिलने वाले हैं। अच्छा बाय द वे, वो ड्रेस मैंने ले लिया है 45 दिरहम में, मुझे आफ्टर सो मेनी बार्गेनिंग के बाद मिला 45 दिरहम में, वो मुझे मिल गया। और जो मैंने सीरियल बताया था ना हयात और मुराद, तो उस सीरियल का नाम था प्यार लफ्ज़ों में कहा, और प्यार की बात हो रही है तो भाई
सेंट खुशबू की बात तो होनी चाहिए, और जिधर खुशबू ना भाई मेरे सामने अगर कोई गुजर भी जाता है ना खुशबू लगा के, तो मैं उधर ही बेहोश हो जाऊँ। मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम अ फॉन्ट काइंड ऑफ पर्सन, फ्रेगनेंस तो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि हस्बैंड एंड पापा फ्रेगनेंस से रिलेटेड है, वही का बिजनेस है, बट फिर भी मुझे ना बाहर से लेने की बड़ी क्रेविंग रहती है। और ये वाला बंदा बहुत अच्छे से स्वीट से बात कर रहा था, हमारे ही उधर का है, असम का, तो मैंने बोला डिस्काउंट दो तो दिया आपसे उसने, अच्छा, बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे मैं आ गई अपने वापस स्टोल दुपट्टास के स्टोर में, और मैंने खरीद लिया एक दर्जन। अभी आप देखो मैं कितना चूज कर रही हूँ, कौन सा कलर लूँ, कौन सा नहीं, कौन सा नहीं, कौन सा नहीं, मतलब मुझे क्या है ना मालूम क्या बोलूँ, मुझे पूरे कलर्स पसंद आ रहे थे पर फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख कर 12 कलर चूज किए। और मुझे ना अभी इतने दिनों में वो भी कम पड़े, मुझे अभी और लेना है। मैं जिधर जाती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एक ना एक, अगर एक बार भी मैं आउटिंग में जाती हूँ ना, दिन में एक स्कार्फ तो मैं ले ही लेती हूँ, एक दुपट्टा तो मैं मतलब कैसे भी करके मनवा के ले लेती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, मतलब नाइफ सोक से मैं बाहर निकल गई हूँ, और यहाँ पे बाहर का जो मैंने स्टोर बताया था ना सबसे पहले, वो स्टोर का ये क्लिप बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले क्लोथ्स हैं इनके पास जेंट्स के लिए, तो भाई अभी सब लेडीज़ का बता दूंगी तो कैसे चलेगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मतलब जेंट्स हैं वो लोग भी बोलेंगे ना भाई मेल के लिए तो कुछ बताओ। तो ये देखो कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन है, जिसको भी जो भी पसंद है ना मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, इंस्टा पे फॉलो करो, तो मैं आप लोगों के लिए पार्सल करवा दूँ। ओके देन। सो गाइस, ये था सफर नाइफ सूक का, यहाँ पे देरा में नाइफ मार्केट होलसेल मार्केट का सफर था, आप लोगों को मैंने दिखाया है। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक द बटन, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्या कर रहे हो आप लोग, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। हाँ, और आई एम श्योर आप लोगों को ये वाला मार्केट अच्छा लगा होगा, होलसेल मार्केट है, सब चीज़ें मिलती है। मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें परचेज कर ली बजट के बाहर जाकर, क्योंकि देखने में चीज़ें अच्छे लग गई, और सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया है। आगे इंशाल्लाह और भी दुबई आपको घुमाएंगे, चीज़ें दिखाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या चीज़ यहाँ पे पसंद आई है, और क्या चीज़ ऐसी चीज़ें जो इंडिया में नहीं मिलती है यहाँ पे आपने देख लिया होगा मेरी वीडियो में। तो बस अच्छे से रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अभी चलती हूँ, मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, अल्लाह हाफिज़।